अच्छा, तो टाइप ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ने से पहले मैं एक बार फिर तुम्हें हुक्स नियम को याद दिलाना चाहता हूँ। हुक्स लॉ क्या है? तो हुक्स लॉ यो कहता है कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस लगाओगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रेन। दैट मीन्स स्ट्रेस जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आया था जिसको हमने लिखा था ई। और ये जो हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ ये याद रखना केवल ये विद इन इलास्टिसिटी लिमिट्स के ही, विद इन इलास्टिसिटी लिमिट में ही लागू होता है। अगर इलास्टिसिटी की लिमिट से बाहर हो जाएगा तो हुक्स लॉ फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हमने हुक्स की डेफिनेशन को लिख रखा है तो इसमें लिखा है विद इन द इलास्टिसिटी, विद इन द इलास्टिसिटी लिमिट, है ना। इलास्टिक लिमिट्स के भीतर ये काम करता है, अदरवाइज ये फेल हो जाता है। कैसे फेल होगा देख लेंगे हम अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ से ये जो ये कॉन्स्टेंट आता है इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो दैट मीन्स द मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी इज द रेशो। किस किस का रेशो हुआ है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू अवर स्ट्रेस। नंबर एक बोलिए क्या है, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कब आएगा, जब हमने एक वायर ली, ये वायर है हमारे पास और इस वायर को हमने लटकाया और इस पे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई किया। जब हम इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई करेंगे तो हमें कैसा स्ट्रेस देखने को मिलेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस देखने को मिलेगा। और इसमें कौन सा स्ट्रेन होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। ठीक है, तो ये किस किस का रेशो हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज नोन एज यंग्स मॉडुलस। तो इसको लिखेंगे हम, और इसको दूसरा नाम भी था इसका, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का दूसरा नाम क्या था, नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस, और नॉर्मल स्ट्रेस कितना था वो यहाँ लिखेंगे, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं वाई से। यंग्स मॉडुलस इज डिनोटेड बाय द वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी बनेगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मीन्स नॉर्मल, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसकी वैल्यू आपको ज्यादा मालूम ही है, नॉर्मल स्ट्रेस कितना होता है, एफ अपॉन ए। तो यहाँ कितना लिख देंगे, एफ अपॉन ए। और ये क्या है, इसको भी याद, हाँ ये था ना, ये एल, और ये क्या था, डेल्टा एल, डेल्टा एल, और ये एल। तो इसको क्या लिख देंगे हम, एल अपॉन डेल्टा एल। इसको सोल्व आउट करो, ओ सॉरी, डेल्टा एल अपॉन एल, इसको सोल्व करो कितना हो जाएगा, एफ अपॉन में ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल, ये आएगा ना। तो यंग्स मॉडुलस ये हुआ, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल, ये यंग्स मॉडुलस हुआ। ठीक, अब इसमें थोड़ी सी इसकी यूनिट्स बता दीजिए, यूनिट्स क्या बनेगी इसकी, इसकी यूनिट्स देखो कैसे बनाओगे आप। ये चीज़ तो डायमेंशन लेस हो गई, ये बचा, ये क्या है ऊपर न्यूटन, नीचे मीटर स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट क्या हुई, यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये तो यूनिट स्ट्रेस की है हमारी, तो ये ध्यान रखना जो यूनिट हमारे स्ट्रेस की होती है वो यूनिट किसकी होती है, मॉडुलस। कोई सा भी मॉडुलस हो, चाहे यंग्स मॉडुलस हो, बल्क मॉडुलस हो, शेरी मॉडुलस हो, कोई सा भी मॉडुलस हो, सबकी यूनिट्स कैसी रहेगी, सेम। क्यों, क्योंकि इसमें ये डायमेंशन लेस होता है। तो जो यूनिट इसकी वो यूनिट इसकी, ये हमारा यंग्स मॉडुलस हुआ नंबर बी। नेक्स्ट पे आते हैं दूसरा, कौन सा है, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस नेक्स्ट यही है ना। देखो बल्क मॉडुलस, तो हम अपने मॉडुलस के नाम रखते जा रहे हैं किसके बेसिस पे, अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पर, अपने स्ट्रेस के बेसिस पर। जैसा हम स्ट्रेस लगा रहे हैं उस पर ऐसा ही हमने नाम रख दिया।
तो अब हम यहां पर ये बल्क मॉडुलस कब बनेगा, जब हम कौन सा फोर्स लगाएंगे, जब हम फोर्स लगाएंगे वॉल्यूमेट्रिक, यानी कि एक ऐसा डिफॉर्मिंग फोर्स जो किस में चेंज कर रहा हो, वॉल्यूम में चेंज कर रहा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और वो जो रेशो बनेगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये क्या बनेगा, बल्क मॉडुलस। तो यहाँ पर इसकी इसको लिखेंगे, और इट इज डिनोटेड बाय, बल्क मॉडुलस इज डिनोटेड बाय कैपिटल बी। तो बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो इसका, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, देखो यही फॉर्मूला ना, ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, नॉर्मल कितना होता है, इसकी वैल्यू बताओ, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस ये निकाला था ना एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी अपॉन वी, सोल्व आउट करो इसे, एफ अपॉन ए इंटू डेल्टा वी अपॉन सॉरी वी अपॉन डेल्टा, ये बना इसका फॉर्मूला। यूनिट्स एंड डायमेंशन सेम सेम रहेगी, ठीक है। ये हमारा फोर्स जो लगता है हमारा, वो होता है डेल्टा पी इंटू ए, ये बनेगा हमारा फोर्स का फॉर्मूला। तो यहां पर हम क्या रख सकते हैं, तो इसलिए बी इक्वल टू एफ अपॉन ए, और एफ के प्लेस पे क्या आ जाएगा, एफ के प्लेस पे आ जाएगा डेल्टा पी इंटू में ए अपॉन में ए, और इंटू वी डेल्टा वी, ए से कैंसिल, तो आपके पास आया बी इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू वी अपॉन डेल्टा वी। अब इसको यहीं पे छोड़िए थोड़ी देर के लिए, इस इक्वेशन को वन मान लीजिए इसे। गैस के केसेस में हम बॉयल्स की इक्वेशन को यूज करते हैं, बॉयल्स इक्वेशन क्या है, यूजिंग बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ ये कहता है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम, इन दोनों का जो प्रोडक्ट रहता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक। अब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, फर्स्ट और सेकंड रूल लगा करके इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो जब हम फर्स्ट और सेकंड रूल लगा करके इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफ्रेंशिएट प्लस सेकंड ऐसे ही और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट इनटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएट कितना होता है, जीरो, ये जीरो हो गया। यहाँ से पी इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी इंटू वी, यहाँ से इसको इधर भेजिए, तो P की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, माइनस डेल्टा P अपॉन V अपॉन डेल्टा V। अब इसको देखिए और इसको देखिए, सेम है। तो इक्वेशन फर्स्ट में इसके प्लेस पे क्या पुट किया जा सकता है, P माइनस आ जाएगा इधर, माइनस P, तो सो B इज इक्वल टू माइनस के P। तो दैट मीन्स ये हुआ कि गैसेस के केसेस में जितना गैस प्रेशर एग्जर्ट करती है वही उसका बल्क मॉडुलस होता है। तो गैस के केस में बल्क मॉडुलस को मेजर करना बहुत ईजी है, जो इतना प्रेशर लगाएगी गैस वो उसका बल्क मॉडुलस वही कहलाया जाएगा। माइनस क्या शो कर रहा है यहाँ पे, माइनस ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसके वॉल्यूम में डिक्रीज हो रहा है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि ये हमारे पास एक बैलून है और इस बैलून पे प्रेशर डालिए, बाहर से जब आप प्रेशर डालोगे इधर से, तो इसके वॉल्यूम का क्या होगा, इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। इफ प्रेशर इज पॉजिटिव देन वॉल्यूम इज डिक्रीज, वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो जाएगा। वो माइनस यही प्रदर्शित कर रहा है कि
जो प्रेशर है ना, प्रेशर प्रेशर इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है तो वॉल्यूम डिक्रीजिंग डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये है माइनस का। प्रेशर अगर इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है तो वॉल्यूम डिक्रीजिंग डायरेक्शन में है, एंड वाइस वर्सा। इसको हम ईटा से लिखते हैं, ईटा, इसको ईटा बोलते हैं, ईटा। ये ना 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 वो अलग है। हाँ, हालांकि सिंबल सेम है बट यहाँ पे हम ईटा को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ रहे हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तीसरी तरह का जो स्ट्रेस था वो कौन सा था? शेयरिंग। तो जो शेयरिंग स्ट्रेस होगा उस स्ट्रेस में जो मॉडुलस बनेगा उसको क्या कहेंगे हम? मॉडुलस ऑफ द रिजिडिटी और मॉडुलस ऑफ शेयरिंग, ठीक है, मॉडुलस ऑफ, हाँ, शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये हो जाएगा हमारा ईटा इज इक्वल टू, बोलिए, टेंजेंशियल, हाँ नहीं नॉर्मल नहीं बोलेगा, नॉर्मल और टेंजेंशियल में तो फर्क है, नॉर्मल ये है और टेंजेंशियल ये है, दोनों में डिफरेंस है ना। टेंजेंशियल, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन। तो यहां क्या लिखेंगे हम? एफ अपॉन ए, और नीचे थीटा, यही तो था शेयरिंग स्ट्रेन, यही तो था शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। और थीटा की वैल्यू कितनी बताई थी आपने, बताओ याद करके? हाँ, एक्स अपॉन एल, और इसको हम लिख लेंगे कैसे? एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन एक्स, और ये किसके इक्वल है? एटा। अब इसमें ये तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है, क्या कंफ्यूजन हो सकता है? फोर्स कौन सा लोगे आप? तो आपको ये एफ कहाँ का है, एल कौन सा है, एक्स क्या है, ए क्या है, एरिया कौन सी सरफेसिस का है। मैंने आपको ये, आपको एक क्यूब दिया और इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाया, और इसका एरिया, इसका एरिया कौन से फेसिस का एरिया लोगे आप, कौन से फेसिस का एरिया रखोगे? जब आपको एक क्यूब दे दिया जाएगा और उसमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालने के लिए पूछा जाएगा, उसकी डायमेंशन भी तुम्हें दे दी जाएगी, तो उसमें से कौन से फेसिस का एरिया चुनोगे आप? इसका चुनोगे, इसका चुनोगे, इसका, इसका, इसका। तो ध्यान रखना, हमें उस फेसिस का एरिया चुनना रहता है जिस पर आपने फोर्स अप्लाई किया है। अगर मैंने इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाया है तो यही एरिया मुझे चाहिए, इसी फेसिस का एरिया चाहिए। कभी आप इस वाले फेसिस का कैलकुलेट करो और इसमें रखने लग जाओ, तो ये ध्यान रखना। तो इसलिए इस डायग्राम में ये इसके साथ ना ये डायग्राम बना करके रखना। मान लीजिए आपके पास ये एक क्यूब है और इस पे आपने फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई करने से ये जो क्यूब है थोड़ा आगे की तरफ चला गया, ठीक, ये वाला एरिया लेना आपको, ये क्यों? क्योंकि आपने इस वाले पे ही तो फोर्स अप्लाई किया है, टेंजेंशियल फोर्स, तो इसी का ही एरिया लेना है, ठीक। और अब ये एल क्या है? जितना वो डिस्प्लेसमेंट हुई थी उस लेंथ में, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था वो इधर चले गई थी, ये हाँ, ये एक्स, एल तो ओरिजिनल है, ये है एल, ये है एल, उसकी एक एजिज है जो उसकी फिक्स सरफेस से उसकी लेंथ थी, ये फिक्स सरफेस थी, इस फिक्स सरफेस से जो इसकी लेंथ बन रही है ये एल है आपका, हाँ, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था इसमें, ये एक्स है। ये एक्स है, तो इसे ध्यान रखना। अब न्यूमेरिकल्स दिए दिए जाते हैं ज़्यादातर नॉलेज चेक करने के लिए,
इस तरीके का एक फे क्यूब है हमारे पास और उसकी डायमेंशन दे दी 2/3, यहाँ 1/3, और हमने फोर्स अप्लाई किया इस वाले फेसिस पर, तो आपको कौन सा एरिया लेना पड़ेगा फिर 2/3 × 6, ये एरिया लेना पड़ेगा आपको, और यही यही फोर्स लेना पड़ेगा यहीं का ही। अगर आपने फोर्स ऐसे लगाया है तो फिर भी ये फोर्स नहीं लेना इस कैलकुलेशन में, जब आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को कैलकुलेट करोगे। मान लीजिए आपने 2 N 30 एंगल से लगाया, 2 N फोर्स 30 एंगल से अप्लाई किया, तो फिर क्या 2 N ही रखोगे अपनी कैलकुलेशन में, यहाँ पे अपने फॉर्मूले में? तो आंसर है 2 N नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 2 N फोर्स लगाया है ये टेंजेंशियल तो नहीं है, अगर ये टेंजेंशियल नहीं है तो फिर हम इस फोर्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो टेंजेंशियल फोर्स कहाँ से लाए? तो आंसर है इसका कॉम्पोनेंट बनाओ, ये आपने इस तरीके से फोर्स लगाया ये, तो इसके दो कॉम्पोनेंट बनाओ, ये इसका एक कॉम्पोनेंट होगा, ये टेंजेंशियल, ये एफ कॉस 30, ये एफ है, ये एफ साइन 30, तो ये वाला लेना क्योंकि ये टेंजेंशियल होगा, ये वाला कॉम्पोनेंट आप लोगे, तो इस फॉर्मूले में ध्यान रखना, दिस इज इट इज टेंजेंशियल फोर्स एंड एरिया वेयर वी अप्लाइड द फोर्स एंड इट इज एजिस ऑफ द क्यूब एंड दिस डिस्प्लेस एजिस, जितना हमारा डिस्प्लेस हुआ इसमें, ये चेंज इन कॉन्फिग्रेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन। तो पहले कितना था इसका चेंज इन कॉन्फिग्रेशन, कितना चेंज आया? आर, ये चेंज हो गया तो इसको लिखेंगे हम आर, और नीचे ओरिजिनल कौन, ओरिजिनल कैपिटल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को कैसे लिखते हैं, एल डेल्टा एल अपॉन में एल, इसको ना ये जो इसमें चेंज आया, ये चेंज जो आया होगा वो बहुत छोटा सा आया होगा, तो इसको ना हम चेंज इन रेडियस को डेल्टा आर लिख लेते हैं, डेल्टा आर लिख लेंगे हम, ठीक। तो ये डेल्टा आर हो जाएगा हमारा इस वाले को, हाँ यहाँ पे फिर क्या स्मॉल आर कर लो, यहाँ पे स्मॉल आर कर लिया हमने, इसको सोल आउट करेंगे, इसमें माइनस आएगा, इस माइनस का कुछ मतलब रहेगा वो अभी बता रहा हूँ मैं, कितना रहेगा डेल्टा आर अपॉन में आर एल अपॉन में डेल्टा है। अब मुझे देख करके बता सकते हैं इसकी यूनिट क्या बनेगी, पॉइसन रेशो की, पॉइसन रेशो की यूनिट्स क्या बनेगी? इट इज डायमेंशनलेस, वाई? इट इज रेशो ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ 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 लेंथ, तो इसकी कोई यूनिट रहेगी? सगुन डायमेंशन रहेगी, डायमेंशन भी नहीं रहेगी इसके,